देखो हमें तो जैसे भी खबर मिली तुरंत हम वहां से निकल आए, क्योंकि यहां से कुटी पे दो आदमी गए हमें लेने के लिए, क्योंकि नर तो हमारे साथ हुआ नहीं पहले। जब वो वहां पहुंचे, वहां से तुरंत हमने पहुंच के मौके पे वाकई यहां हमने बड़ा एक हादसा होने वाला था जिसको हमने बचा लिया। तो जो दुकान थी, जैसे ये इलेक्ट्रिक की दुकान थी, इसमें तो उनका नुकसान ऑल टोटल हो गया है, लेकिन दाएं बाएं तो जो जो दुकानें थी उनको हमने बचा लिया है। कि हम तो यही लोगों को कहेंगे कि जितना भी हो सके जब आप घर में अपने जाओ, अपनी दुकानें शॉपें बंद करके जाओ, तो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक शार्ट की वजह से ये हुआ है, जो हादसा हुआ है, अपने जो स्विच हैं, इन्वेटर वगैरह है, जो भी है उसको ऑफ करके जाओ, ताकि ये हादसा ऐसा आज के बाद ना हो। जैसे इलेक्ट्रिक शार्ट, इन लोगों की गलती की वजह से होगा। कोई भी शॉप वाला है, हम उसी को ये बार बार कहा करते हैं, हम ऐसे भी अवेयरनेस देते रहते हैं, बाहर में जाते रहते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं कि कभी कभी घर में होना है या शॉप वगैरह है उसको, जो भी इन्वेटर वगैरह है उसको बंद कर दो, जो ट्रांसफार्मर वगैरह है उसको भी बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, ताकि ऐसा हादसा आज के बाद कभी ना पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुकसान की अगर बात करें तो यहाँ मेरे हिसाब से लाखों रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि एक अगर स्विच की बात करें तो कम से कम 100-150 रुपये का एक स्विच आता है। यहाँ जब आग लगी तो हम घर में अपने घर में सोए हुए थे, तो लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ ऐसा हादसा हुआ, तो हम तकरीबन 10 या 15 मिनट में यहाँ पहुँच गए। इतनी देर फायर सर्विस वाले आ चुके थे, उन्होंने कंट्रोल किया, जो दाएं बाएं दुकानें थी उन पर कंट्रोल किया, तो लेकिन जो उस दुकान के अंदर सामान था लाखों रुपये का, वो तकरीबन सारा लॉस हो गया। हम इंतज़ामिया से यही गुजारिश करेंगे कि अगर किसी गरीब का नुकसान हुआ, इन लोगों ने लोन ले लिया हुआ है, तो इनको कंपनसेशन दिया जाए।